मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मनुश्री व्लॉग्स पर और आज एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखो हमारा नाश्ता चल रहा है, अभी खान पैन हो रहा है तो खाने पीते हैं। चलिए शर्मनी आज और ज़्यादा होके आ गई है, आज और भी ज़्यादा आ गए। नहा धो लिए हैं, बिल्कुल मस्त याद रही हैं, क्यों कर नहीं सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कर दिया मैंने पहले स्टार्ट जब चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहा हूँ क्लास करने, बाद में मिलते हैं गाइज। अभी हमारे यहाँ होने वाली है पूजा। और तूने हम दोनों में से किसी की हेल्प नहीं की। क्यों? मैं क्लास कर रहा था। हम दोनों ने इतनी मेहनत की, मैं बाहर से फूल तोड़ के आई, उन्हें सजाया, ऊपर से इतनी भारी लग रही कि थैली लेके आई। अच्छा जी, चलो फिर करते हैं। यह शुरू हो गई है धीरे धीरे, अभी दिया जलेगा। बस धीरे धीरे हो ही रही है, पर अभी थोड़ा सा फूल लगाने वाला। हट तो बच्चे, तो फूल लगाती रह जाइए पूरे दिन, सारा दिन फूल लगाती रहती है खड़ी हुई। बच्चे हट जा। मतलब ये देख किसने करा क्या आपने सिर में, एक साइड की चोटी। मैंने नहीं करा, मम्मी ने करा, एक साइड की चोटी है बस। मनुष्य हटो बच्चे, हट जा पीछे। पुनरीकाक्षः पुनातु, पुनरीकाक्षः पुनातु। जब कभी भी हम यज्ञ में या किसी भी कार्यक्रम में बैठते हैं ना, सबसे पहले शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। सब जगह जगह से इकट्ठी हुई हुई चीजें होती हैं ये, इसलिए इनका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है, उसमें थोड़ा सा ही है। ये मेरी कटोरी है, ये भाई और मम्मी की कटोरी। ओम नमो ईश्वरनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुवहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी देवी देवताओं को एक साथ नमस्कार करते हैं कि हे देवी देवता जो भी आप हो, प्लीज सभी उपस्थित हो, हमारे यज्ञ कार्य में सम्मिलित हो। मैं कब से दो हमारे यज्ञ को मैं तब से बस ये विश मांग रही करूँ ना भगवान। ये जो मेन वो हो रहा है, हवन किया जा रहा है। ये आज एक प्रयोग किया जा रहा है गायत्री परिवार की तरफ से कि जितनी भी जो भी विषाणु या फिर वायरस जो भी हमारे वायुमंडल में फैल चुके हैं, जो भी हमारे वायुमंडल में फैल चुके हैं ना, तो वो सभी के सभी यहाँ से गायब हो जाए। कोरोना जैसे कि ये सब जो आ चुके जितने भी वायरस वायुमंडल में घुल चुके हैं वो सभी वायुमंडल से दूर हो जाए और सभी स्वस्थ हो जाए। सभी के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए आज ये यज्ञ का कार्यक्रम एक प्रयोग किया जा रहा है। ओम अग्नेन सुपथारायष्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान् युयोधवस्य जोहराने मेनो भूष्टां ते नमः उत्कीर्तिं विधेम। सभी अग्निदेवता को नमस्कार करें। यज्ञ कार्य अब हमारा प्रारंभ हो रहा है, सभी इसमें भागीदारी करें। जो भी अपने घरों पर यज्ञ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ इसी यज्ञ में सम्मिलित हों। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरदुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्यासुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोलिए कि भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। हमने इसमें गुड़ इसलिए डाला है अभी लाके, अभी खुशबू आएगी पूरे घर में। ये गुड़ डाला हुआ है, ये इससे खुशबू फैल जाती है गुलाब की, गुलाब जैसी बहुत अच्छी सुगंध फैलती है। और हम जो उसमें प्रसाद के भोग लगाते हैं, ये शुद्ध मिठाई होती है, ये सबसे शुद्ध मिठाई होती है गुड़। इसका भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। आप सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद ले लीजिए मनु का। हाँ, और ये लीजिए, खा भी लीजिए, लीजिए नहीं खा भी लीजिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 ओम शांति पानी को तुलसी जी में डालना। आप सभी से हाथ जोड़कर करवट निवेदन है, जो आज प्रयोग किया गया है यज्ञ करके, इस घर घर में आज यज्ञ किए गए हैं गायत्री परिवार की तरफ से, शांति कुंज की तरफ से। यदि आप गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, शांति कुंज से नहीं जुड़े हैं, हिंदू धर्म में नहीं हैं, तो आप किसी भी धर्म समुदाय से हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये प्रयोग हमारा सार्थक होगा तभी जब हम सभी मिलकर इसमें योगदान करेंगे, अपना भागीदारी करेंगे। उस भागीदारी के लिए यदि आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, हवन नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं। वो जो दीपक की ऊर्जा होती है वो सारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। जो देसी घी का जो चिराग जलाया जाता है, सभी धर्मों में जलाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों में देसी घी का चिराग जरूर जलाया जाता है और शुभ भी माना जाता है। तो उसकी जो चारों तरफ की वायुमंडल होता है ना, तो वो पूरा ऑक्सीजन देता है, पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। उसके आसपास बहुत सारे मीटर तक ऐसी वायु ऊर्जा वायुमंडल में फैल जाती है कि वो शुद्ध कर देती है पूरे वायुमंडल को। जो भी हमारे वायरस हैं जिससे हम आजकल पीड़ित हो रहे हैं या जो हमेशा से ही चले आ रहे हैं, इसीलिए हमारी पुरानी परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है कि घर घर यज्ञ किए जाएं, घर घर में शुद्धिकरण किया जाए। तो उसी का एक छोटा सा प्रयोग किया गया था। अगर आप सभी इसमें भागीदारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे विश्व के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्ति के लिए। जो भी पारिवारिक, हमारा पारिवारिक भूमिका है, हमारी व्यक्तिगत भूमिका है, हमारी सामाजिक भूमिका हमारी, तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग ये जरूर करें। अपने घर में शुद्ध देशी घी का चिराग जरूर जलाएं और हवन जरूर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा प्लीज 5 दीपक अपने घर में शुद्ध देशी घी के जरूर जलाएं और इस मिशन को, इस प्रयोग को सार्थक करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वीडियो को करते हैं एंड। यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी पुरानी परंपराएं खो ना जाएं कहीं और हम और ज्यादा पीड़ित ना हो इन वायरसों से। हमारी जो पुरानी परंपराएं थी वो हमें बचाए रखी थी, स्वस्थ रखे हुए थी। इसीलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए हम आज वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।